तो फ्रेंड्स, ऐश और गो जो हैं ये दोनों पैल्डिया रीजन जाने वाले हैं। इसके रिलेटेड हमें एपिसोड का टाइटल देखने को मिल चुका है, उसके अलावा जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया है। उसके अलावा गाइस, टीवी टोक्यो एनिमे के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐश कचम जो है वो पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, लेकिन फिर भी जो पैल्डिया रीजन है वो इस जर्नी से भी बेस्ट होने वाला है और अट्रैक्शन है और उसको अटेंशन चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम फ्राइडे वाले दिन यानी 2 दिसंबर 2022 को हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, यानी पोकेमोन जर्नीज एपिसोड 134 जो है वो आज रिलीज होने वाला है। और आज के दिन जो पोकेमोन एनिमे के डायरेक्टर हैं वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, यानी एपिसोड जब रिलीज होगा तो उसके रिलीज होने के फौरन बाद तो हमें एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। तो गाइस, अब यहां पर बात यह है कि क्या वो अनाउंसमेंट जो है वो पैल्डिया रीजन के रिलेटेड होने वाली है या फिर वो कोई वैसे अनाउंसमेंट होने वाली है। तो गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्राइडे वाले दिन यानी आज के दिन जब पोकेमोन जर्नीज एपिसोड 134 रिलीज होगा तो उसके बाद हमें पोकेमोन की तरफ से एक ट्रेलर देखने को मिलेगा जो कि पैल्डिया रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट एनिमे जो होगा उसका जो फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर है वो हमें फ्राइडे वाले दिन 2 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और इस दिन जब एपिसोड रिलीज हो जाएगा तो हमें कंफर्म्ड करके ऑफिशियली तौर पर बता दिया जाएगा कि एनिमे जो है वो कब स्टार्ट होने वाला है और उसमें ऐश की एज कितनी होने वाली है और कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें रिटर्न करने वाले हैं या कौन कौन से न्यू कैरेक्टर्स उसमें आने वाले हैं और ऐश का जो गोल है पैल्डिया रीजन में वो क्या होने वाला और ऐश जो है वो किस वजह से पैल्डिया रीजन जाने वाला है। और साथ में इस ट्रेलर में कुछ सीजन 1 के जो एपिसोड्स होंगे उनके थोड़े बहुत क्लिप्स भी देखने को मिलेंगे जिनमें हमें पता चलेगा कि ऐश जो होगा वो पैल्डिया रीजन में कौन से पोकेमोन अपने लेकर जाएगा या पैल्डिया रीजन में वो कौन से पोकेमोन कैच करेगा, सरीना का क्या होगा, क्या वो रिटर्न करेगी, उसके अलावा इनकी एजेस का क्या बनेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए कि ग्रीन निंजा जो है क्या वो ऐश की टीम को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं और जो बॉन्ड एवोल्यूशन है उसका क्या बना, क्या वो हमें दोबारा देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो गाइस, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलने वाली है और हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो पोकेमोन जर्नीज एपिसोड 134 के रिलीज होने के फौरन बाद हमें मिलने वाला है। और हमें पोकेमोन स्कारलेट और वायलेट का जो फर्स्ट ट्रेलर है, ऑफिशियल जो ट्रेलर है, एनिमे का जो ट्रेलर है, मैं गेम की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं एनिमे की बात कर रहा हूं, यानी सीजन 26 का जो फर्स्ट ट्रेलर है वो हमें देखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता है कि जैसे ही ट्रेलर हमें दिखाया जाएगा, जैसे ही ट्रेलर अनाउंस्ड होगा तो उसके फौरन बाद ही जो पोकेमोन स्कारलेट और वायलेट है उसका फर्स्ट एपिसोड भी अनाउंस्ड हो जाएगा, यानी इस ट्रेलर में हमें रिलीज डेट बता दी जाएगी, एग्जैक्ट रिलीज डेट बता दी जाएगी कि जो पोकेमोन स्कारलेट एंड वायलेट है वो कब रिलीज होने वाला है, उसका फर्स्ट एपिसोड कब शुरू होगा और उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। और उसके अलावा सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्साइटिंग बात तो ये है कि स्कारलेट एंड वायलेट जो है वो खुद डायरेक्टर कह रहा है कि जर्नी से कहीं ज्यादा बढ़ के होने वाली है और ये बहुत ही ज्यादा कमाल की होगी और अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू द जर्नी। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि जो जर्नी है उससे भी ज्यादा स्कारलेट एंड वॉलेट जो सीजन हैं वो कमाल के होने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। और डायरेक्टर ने कहा है कि हम कुछ स्पेशल सोच रहे हैं ऐश कैचम के लिए और जो अनाउंसमेंट है उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो अभी इंतजार बस अनाउंसमेंट का है कि वो कब होती है। तो कुछ ही टाइम बचा है अनाउंसमेंट में, तो जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और मैं तब भी आपको एक वीडियो बना के प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा कि आने वाले दिनों में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है और कब एनिमे स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।